हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स का और पेसिवियंस का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बट फ्रेंड्स, मेरे पास में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता हूं। इसका रीज़न क्या है कि कंपनी में कोई अपडेट नहीं आती है, तो इसके कारण मैं थोड़ा सा रेगुलर वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि आप बनाया करो, तो ये आप सभी लोगों की डिमांड पे ये वीडियो है। और एक्चुअल में आप सभी लोग पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्या समय लगने वाला है और क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। 360 की पिछली अपडेट भी मैंने नहीं बनाई थी, हालांकि वहाँ पे भी मिस्टर एस मुफारिस सर ने कई सारी चीज़ें बोली थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको अपडेट्स दे देते हैं। लेकिन आज ये मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि बेहद ज़रूरी है हम सब फाउंडिंग मेंबर के लिए। क्योंकि मैं जिस हिसाब से ऑन पेसिव को अभी सोच रहा हूँ, उस हिसाब से आप लोग भी अगर सोचेंगे तो डेफिनेटली आप भी कहीं ना कहीं आप डेली ये नहीं सोचेंगे कि कल क्या होने वाला है या फिर एक हफ्ते के बाद क्या होगा। तो बेसिकली मेरी बात ये है आप सभी लोगों से, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं, हम आपकी फैमिली का हिस्सा हैं। कभी मैंने आपको सब्सक्राइबर नहीं बोला है, जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम अपने दोस्त से, अपने हमारे लीडर से फ़ोन करके पूछते हैं कि अभी आपके हिसाब से कितना टाइम लगने वाला है, या फिर कोई भी लीडर आकर के कुछ भी बोल देते हैं, या फिर कोई भी यूट्यूबर आकर के कुछ भी बोल देते हैं कि आपके हिसाब से कितना टाइम लगने वाला है, कितना समय लगेगा ऑन पेसिव को लॉन्च होने में, लाइव होने में दोबारा से। तो कुछ लोग होते हैं जो कि एक डेट दे देते हैं कि मे भी हो सकता है कि यहाँ तक हो जाए, मे भी यहाँ तक हो जाए। हालांकि उनका भी एक आइडिया होता है, जब लोग पूछते हैं दिन जाकर के देते हैं। और बहुत सारे लोग अपडेट भी देते हैं, जैसे वेबिनार में भी कई सारे लोग डेली बेसिस पे अपडेट देते रहते हैं, हालाँकि उसका कोई कारण नहीं बनता है अपडेट देने का, हालाँकि उसका कोई रीज़न ही नहीं बनता है, क्योंकि अपडेट्स कंपनी की तरफ से तो नहीं आ रही है। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग रियल टाइम चीज़ों पे फोकस करें जो ऑन पेसिव में हो रही हैं। आप किसी लीडर की बात आप सोच रहे हो कि ओके, इन्होंने ये बोला था कि हम सितंबर में लाइव कर देंगे, या फिर इन्होंने ये बोला था कि 10 दिन के बाद में ये चीज़ें हो जाएंगी। एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ का, तो वो चीज़ क्या होती है, वो एक रियल टाइम नहीं होती, वो एक अपडेट्स होती है जो कि आइडिया होते हैं आपके हिसाब से, जो कि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होगा पिछले 4 सालों में 99.9% जो भी बोलते हैं लोग वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी अंजप्शंस, अपने आइडिए, अपनी चीज़ें अपने माइंड से सोचते हैं, थिंक करते हैं, देन फिर वो बताते हैं कि ओके ये हो सकता है शायद। वो भी ऐसे नहीं अपने मन से बता रहे, वो कहीं ना कहीं उन पर बोला जाता है कि आप बताइए आपके हिसाब से क्या लगने वाला है। तो आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और ये रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं ऑन पेसिव वालों से लिए है, ऑन पेसिव जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स इंडिया के हैं खासकर, उनसे है कि आप सभी लोग जितनी भी चीज़ें हैं वो रियल टाइम में फोकस करें कि रियल टाइम में ऑन पेसिव में क्या हो रहा है। अभी अपडेट पे आप मत जाइए, अपडेट क्या आ रही वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। मिस्टर एस ने जब बोला हुआ है कि हम अपडेट नहीं देंगे, तो हमें रियल टाइम में ही फोकस करना चाहिए। पिछला 360 ले लीजिए, वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो कोई अपडेट नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ ऐसे थी कि ओके ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर कोई लीडर आकर के या फिर यूट्यूबर आकर के कोई अपडेट देता है या डेट देता है, तो शायद वो अपने ही खुद आइडिया से बोल रहा है, उसकी बातों को आपको लाइटली लेना है। जो रियल टाइम में जो होगा, सपोज़ कि आज से एक महीने के, एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, आज से एक महीने के बाद में हम लाइव कर जाएंगे, तो लाइव कर जाएंगे वो एक रियल अपडेट हमारे लिए, रियल टाइम में हो रहा है। तो वो चीज़ें हमें माननी है, वो हम आज बोल दें कि आज से एक महीने के बाद में लाइव हो जाएगा, तो वो उस पर फोकस ही नहीं करना, उस पर उसको देखना ही नहीं है, बोला होगा देखा जाएगा। क्योंकि अपडेट तो हम पिछले 4 सालों से, 5 सालों से, 6 सालों से सुनते ही आ रहे हैं कि ओके कोई लीडर बोल रहा है, कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि ये हो जाएगा, कोई लीडर बोल रहा है ये हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, होगा वो अपनी जगह पे, वो मानते हैं हम होगा, लेकिन उसको हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें कि ओके ठीक है ये शायद परसों ही हो जाएगा। नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि हम तो ऑन पेसिव कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, हम तो ऑन पेसिव में ही हैं, और ना ही मिस्टर एस छोड़ के जाने वाले हैं,
मिश्राज तो जिद्दी इंसान है, पिछले वेबिनार में बोले भी है कि हम मैं कितना जिद्दी हूँ आपको बाद में पता चलेगा कि मैं कितना जिद्दी हूँ। तो बस उनकी बातों पर फोकस करें और किसी की बातों पर आप फोकस ना करें। यकीनन जब आप रियल टाइम में चीज़ों को देखेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि ओके हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। मैं यहाँ पर सबको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप जो बोल चीज़ें सोच रहे वो चीज़ें हैं। हालांकि आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, वो चीज़ों को लेकर के बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फोकस आपको रियल टाइम चीज़ों पे ही करना है जो हमारे सामने आती जाएंगी। बस इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप जो डेली लोगों से क्वेश्चन करते हो कि कब तक होगा या फ्रस्ट्रेशन में आकर के जो भी चीज़ें ग्रुप्स में होती रहती है मैं देखता हूँ, तो वो चीज़ें शायद नहीं होंगी रियल टाइम में जब आप जाएंगे। ओके तो ये एक्सेप्ट करना हमारे लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में हमें सुनने की आदत हो गई है कि हमें अपडेट कब मिलेगी क्या होगा। बाकी आपको जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं यकीनन अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो ये डेली का डेली आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो वो चीज़ शायद ख़त्म हो जाएंगी। तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।